In this video, we will discuss Pakistan Affairs First Paper 2022. So, discuss the role of regional and nationalist political parties in Pakistani politics. How far these parties are necessary for the political system. Pakistan ki siyasat mein alakai aur qom parast siyasi jamaaton ka kya kirdar hai? Role of regional and nationalist political parties in Pakistani politics. Pakistan politics landscape is diverse with various regional and nationalist political parties playing a significant role. These parties representing ethnic, linguistic and provisional identities have had an important impact on the country politics. So Pakistan ka jo siyasi manzar nama hai woh mukhtalif alakai qom parast siyasi jamaatein iske andar apna kirdar ada karti hain. Ye jamaatein nasli, lasani aur baki jo subai shanakht hote hain unki numaindagi karti hain. Mulk ki siyasat jo par in siyasi jamaaton ka kafi gehra asar hota hai. In jamaaton ke kirdar aur inki zarurat ko samajhna Pakistani jamhooriyat ko analyze karne ke liye zaruri hai. So introduction to regional and nationalist political parties. Pakistan mein jo alakai aur qom parast jamaatein hain woh aksar subai ho ya nasli yani ki identification ke buniyad ke upar banayi jati hain jaise baloch ya pakhtun sindhi ya muhajir mukhsoos groupon ke huqooq aur mafadat ka tahaffuz karne ki koshish ki jati hai. Ye jamaatein jo hoti hain apne ilake ke masail ke upar tawajjuh deti hain inke masail ki taqseem ke hawale se siyasi khud mukhtari ke hawale se apni siyasi saqafati shanakht ke upar kaam karti hain. जिस तरह से एग्जांपल्स अगर हम दें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी पार्टी बलूचिस्तान है और अवामी नेशनल पार्टी है और इसी तरह से और पार्टी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थ्रू कंसीडर नेशनल एंड इट इज अ स्ट्रांग रीजनल बेस इन सिंध. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं यानी कि उनके तो पाकिस्तान के क्याम के बाद से उनकी जो इलाकाई जमातें हैं उनकी मरकजी ताकत की जो मरकजियात है इनके छोटे सूबों के पसमानदगी के रद्द अमल के तौर पर ये बनी और मिसाल के तौर पर जिस तरह से मशरकी पाकिस्तान है इसमें जो है बांग्लादेश है जो अब इसमें अवामी लीग का एक क्याम यानी कि अमल में आया था. फिर ये इलाके के जिनके फिर के और फसादात और गैर मसावी सियासी नुमाइंदगी की निशानदेही की वजह से यानी कि ये बनी और इसके बाद जिस तरह जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो यानी कि इसमें कौम परस्त जमातें उन्होंने अपने खुद मुख्तारी और वसाइल के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करने का मुतालबा किया. सो नोटेबल हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स अवामी लीग इन 1971 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेटेड द डेंजर्स ऑफ इग्नोरिंग रीजनल ग्रीवनेसेस बलोच नेशनलिज्म. तो अवामी लीग जो 1971 के अंदर यानी मशरकी पाकिस्तान की जमात थी और इस बात को वो जागर करती थी कि जो इलाकाई शिकायत हैं उसको नज़रअंदाज करना कितना ख़तरनाक हो सकता है. और इसके अलावा जो बलोच नेशनलिज्म है यानी जो बलोच कौम परस्ती है इसने बार बार बगावतें पैदा की मजीद वसायल और सियासी खुद मुख्तारी का मुतालबा किया. दिन रोल ऑफ रीजनल नेशनलिस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. सो इसमें जो यानी पसमानदा ग्रुपों की नुमाइंदगी नुमाइंदा अलकई जमातें जो यकीनी बनाती हैं कि जो सूबाई ग्रुप हैं उनकी आवाज़ें कौमी सतह पर सुनी जाएँ वो और उनके मसाइल को उजागर करती हैं. बड़े कौमी जो पार्टी उनके नज़र से जो मसाइल छुपे होते हैं उनको ये उजागर करने में अपना रोल प्ले करती हैं. और मिसाल के तौर पर जिस तरह से यानी कि पख्तूनख्वा के हकूक़ के लिए काम करती है एन पी और इसी तरह मुहाजरीन के मसाइल के ऊपर जो है वो एम के एम जो है फोकस करती है एडवोकेसी फॉर डिवोल्यूशन एंड ऑटोनमी. और इसके अलावा जो यानी कि ये जो जमातें हैं अक्सर मरकजी हुकूमत से सूबों को ज़्यादा अख्तियार देने का मुतालबा करती हैं या 18वीं तरमीम के जरिए. और इसके अलावा जो यानी कि इसके आइन में जो इलाकाई जमातें हैं काफ़ी यानी कि कामयाब रहीं उनके अपने मकासद के हवाले से क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी के वसाइल के ऊपर यानी कि जो 2010 का आइन था उसने इसमें इजाफा कर दिया. देन बैलेंसिंग पावर इन कोलिशन गवर्नमेंट्स. तो जो इतिहाद की यानी कि इतिहाद की हुकूमतों के अंदर जो एक पावर का बैलेंस था उसमें पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में अक्सर इतिहाद की हुकूमतें बनाई और ख़ासतौर पर जो कोई एक पार्टी इंतखाबात के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं करती सो इस सूरत में जो इलाकाई जमातें हैं वो हुकूमत को बनाने में और पॉलिसियों पर असरअंदाज होने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं. मिसाल के तौर पर जिस तरह से छोटी जमातें हैं बी एन पी है जो कि सूबाई और कौमी दोनों सतहों के ऊपर इतिहाद के अंदर शरीक रहती है. सो एड्रेसिंग रीजनल डिवेलपमेंट इशूज. तो इसके अलावा जो इलाकाई तरक्याती मसाइल हैं उनका हल कौम परस्त जमातें जो हैं वो अक्सर अपने इलाके की तरक्की के जिनके जो फ़र्क है उसको उजागर करने के में अपना किरदार अदा करती हैं. जिस तरह से बलोचिस्तान है
Many of Balochistan have consistently raised concern about the lack of infrastructure and economic opportunities in the province, demanding more federal funds and investment. So, is wale se jo yani ke jo mate hain Balochistan ke andar unhe masal subo mein apne bunyadi infrastructure ko iqtisadi ko iqtisad muashi apne halat ko aur apne jo unke opportunities unko di jati thi unke hawale se kafi tashwish ka izhar kiya aur baki jo jis wafaqi fund aur jo sarmaya kari ka mutalba kiya. So, is ke andar kuch challenges bhi darpesh hain. I mean ke regional nationalist parties ko ethnic divisions hai. One of the challenges both regional parties is that sometimes reinforce ethnic or linguistic divides. So, this can lead to polarization and weaken national unity. So, as different group priorities their provisional or ethnic interest over the broader national agenda. So, is tarah se jin ke polarization phir create ho jati hai, jin ke mukhtalif groups ki wajah se, linguistic divides ki wajah se, national unity को कमजोर कर देती हैं इस तरह की चीजें. डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपने फिर इंटरेस्ट को ये ज्यादा तरजीह देते हैं नेशनल एजेंडा के ऊपर. सेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरेस्ट विद नेशनल यूनिटी. कुछ नेशनलिस्ट पार्टी खासतौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर है वो अपनी आजादी को यानी कि मौका मुतालबा करते हैं और वो पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको चैलेंज करते हैं. सो इस तरह के जो डिमांड्स हैं उनको मैनेज करना और उनको नेशनल यूनिटी के साथ मेंटेन करना एक कॉम्प्लेक्स इशू है. So, regional nationalist political parties play a vital role in Pakistan's political system by representing the interest of marginalized groups, advocating for provisional autonomy, ensuring the inclusivity of democracy. So, they also pose challenges in terms of ethnic polarization, balancing national unity with regional demand. So, overall, these parties are necessary for a stable and representative political system as they contribute to a more equitable distribution of power and resource across. तो जो कौम परस्त सियासी जमातें थी उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में काफ़ी अहम किरदार अदा किया. पसमानदा ग्रुपों के मफादात की नुमाइंदगी करती हैं ये जमातें. सुबह खुद मुख्तारी की एडवोकेसी करती हैं, जमहूरियत को की शमूलियत को यकीनी बनाती हैं और कौमी इतिहाद के साथ जो इलाकई मुतालबात हैं उनको का बैलेंस बरकरार रखने में मदद करती हैं. ये जमातें नुमाइंदा सियासी निज़ाम के लिए जरूरी है क्योंकि वह ताकत और वसाइल का जो मंसवाना तकसीम है इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं. सो डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 18 अमेंडमेंट. व्हाई क्रिटिसाइज ऑन 18 अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली. सो 18 अमेंडमेंट पास इन 2010 ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर बाय ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस. इट रीडिफाइंड द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस, सिग्निफिकेंटली एनहांसिंग provisional control over resources, governance and legislative authority. So this amendment marked a historic shift from a heavily centralized system to a more decentralized federation. And to 2010 ke andar jo manzoor hone wali thi 18th tarmeem usme Pakistan ke jo federal structure tha usko change kar diya. Isse subo ko zyada khud mukhtari mil gayi. Is tarmeem ne wafaqi aur subai hukumaton ke darmiyan jo ek taqat ka balance tha usko yani ke dobara उसको डिज़ाइन किया. सूबाई सतह के ऊपर वसाइल हुकूमत और कानून साजी के जो अख्तियार हैं उसको वाज़ह तौर पर आगे बढ़ाया. ये जो तरमीम है एक मरकजी हुकूमत से ज़्यादा मुतहरक वफाक की तरफ जो है एक काफ़ी अहम तब्दीली है. सो की फीचर्स अगर हम इसके डिस्कस करें फेडरल स्ट्रक्चर के 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविजनल अटॉनमी, तो 18वीं तरमीम की सबसे जो अहम तब्दीली थी वो सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर इजाफा था. बहुत से इख्तियार जो पहले वफाक हुकूमत के पास होते थे वो फिर सूबों को मुंतकिल कर दिए गए थे. इस तरह से कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो थी यानी कि मुश्तरक कानूनी फहरिस्त थी उसको ख़त्म कर दिया गया और जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें थी उनके मौजूद के ऊपर यानी कि वो मुख्तलिफ मौजूद के ऊपर कानून साजी कर सकती थी, उनको इजाज़त मिल गई थी. तो सियासत तालीम और समाजी जो बहबूद है इसके हवाले से जो इस तरह के मौजूद इनके ऊपर भी जो खुद मुख्तारी थी वो सूबों के पास आ गई थी. देन स्ट्रेंथन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, और फिर सूबाई हुकूमतों को अपने इलाकों के में जो वसाइल का इंतजाम करने का अख्तियार दे दिया गया, जिसे कुदरती वसाइल हैं तेल है गैस है मदनियात इसके ऊपर उनको कंट्रोल हासिल हो गया. सूबों को खिदमात के ऊपर टैक्स वसूल करने और इसको मर्जामन करने का अख्तियार मिला, जिससे उनकी जो मालिक खुद मुख्तारी है उसके अंदर इजाफा हो गया. देन काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट 18 अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट ओवरसीज मैटर्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविजनल ट्रस्ट intersect the CCI role in resolving disputes between the center and provinces and ensuring equitable distribution of resources was enhanced. So is tarah se jo yani ke CCI ye mushtarak mafadat ki council hai, to 18th tarmeem ne jo mushtarak mafadat thi yani ke is council ko mazboot kiya. Ek aaini idara hai ye aur wafaqi aur subai jo mafadat hain unke darmiyan jo mutlab amur hain unki yani nigrani karta hai.
सीसी आई का जो किरदार है वो सूबों के मरकज और सूबों के दरमियान जो तनाजात हैं उनको हल करने के अंदर है और उनके दरमियान वसाइल की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाने के ऊपर बनाने में इसका किरदार है. So reformation of the Senate which represents the provinces at the federal level it was given a more prominent role in a decision making for the reinforcing federal structure of Pakistan. The amendments strengthen the importance of Senate in legislative process ensuring provincial interests are better represented in the federal legislative. तो इसके अलावा जो 18वीं तरमीम थी इसमें जो वफाकी सतह के ऊपर सूबों की यानी कि नुमाइंदगी करते हैं उसमें सेनेट को इंक्लूड किया गया. इनके सेनेट जो था सेनेट के अंदर इस्लाहात की गई और ये जो फैसला साजी के अंदर सेनेट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है और पाकिस्तान के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजीद इसे पावर मिलती है. मतलब इस तरमीम ने सेनेट की जो कानून साजी है उसकी अमल की अहमियत को मजबूत किया और इससे जो वफाकी असम्बली के में जो सूबाई वफादात के हवाले से मफादात के हवाले से जो नुमाइंदगी थी उसको बेहतर किया उसको मजीद जो है वो इसके अंदर बेहतरी को यकीनी बनाया. सो एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स मकामी हुकूमतों की मजबूती तो इस तरमीम से जो सूबों को मकामी हुकूमतों को जो है इख्तियार देने के लिए फिर इसमें मजीद और दफात शामिल की गई थी. इससे जो फिर हुकूमत की हौसला अफजाई हुई और सूबों को मकामी हुकूमत के जो निज़ाम था वो कायम करने में उन्हें मकामी इंतज़ाम अपने इंतजामी सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ काम थे उनको संभालने के लिए काफ़ी इख्तियार यानी कि दे दिए गए थे. और फिर यानी कि इसका अगर हम देखें कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा फेडरलिज्म के ऊपर 18वीं तरमीम का तो 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान का जो यानी कि वफाक किया था है उसको जिस तरह तब्दील किया इस तरह चेंज किया कि वफाक उम्मत की ताकत कम हो गई और सूबों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है वो मुनसफाना हो गई. तो इस तरह से जो इख्तियार की दोबारा तकसीम है सूबों के वफाकी फैसलों के अंदर तो ये जो मार्जिनलाइजेशन के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए काफ़ी यानी कि अहम थी. So 18th amendment is a landmark in Pakistan's constitutional history enhancing federalism and granting greater autonomy to provincial it has empowered provincial governments and reduced the centralization of the power it has also introduced new challenges financial constraints on the federal government on human development and concern over national cohesion have fueled recent criticism despite these challenges amendment remains a pivotal step toward addressing the historical grievances of provinces and improving the federal structure of Pakistan. So further reforms and adjustments may be needed to ensure it serves the best interest of both the provinces and the nation as a whole. So is tarah se 18th tarmeem ne Pakistan ki jo Pakistan ke aini tareekh thi uske ek uske liye uske andar ek kafi ahem kirdar ada kiya min wafaq ko mazid jo wafaqiyat hai usko bhi mazbooti mili aur subon ko bhi zyada ikhtiyar de diye gaye the. To is subai hukumat ko is nizam ne mazid mazboot kiya markazi hukumat ki markaziyat ko kam kiya मगर इसके साथ साथ जो कुछ नए चैलेंजेस भी सामने आए जिस तरह से वाकई हुकूमत के ऊपर माली दबाव पड़ा और इसके अलावा जो यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन था उसके अंदर भी कुछ कमी आई और बाकी जो चैलेंजेस थे यानी कि इनके इन तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद जो तरमीम थी ये सूबों के जो तारीखी मसाइल थे उसको हल करने में पाकिस्तान के जो इनके जो इंस्ट्रक्चर था फेडरल स्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाने में इसने अपना अहम किरदार अदा किया. लेकिन इसकी जो मुसर अमलदारी है उसके लिए मजीद इसलाहत और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि ये जो सूबे हैं और कौम के मफादात हैं इनको मजीद जो है वो इनकी बेहतर नुमाइंदगी की जा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवलेट द फंक्शन पॉलिटिक्स ऑफ द अली ईयर्स 1947 to 1958 इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द पाकिस्तान यानी कि जो इब्तदाई साल थे 1947-1958 के जो फिर वराना सियासत थी उसका तजिया करना है और उसके पाकिस्तान के जमहूरी अमल के ऊपर क्या असरात थे ये देखने हैं. सो इस अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में ये देखें कि जो पाकिस्तान के इब्तदाई साल थे उसमें जो फिर वराना सियासत काफ़ी उभरी थी और मुल्क की जो जमहूरी तरक्की थी उसके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा था. जो सियासी जमातों के दरमियान इनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे अंदरूनी तौर पर उनके नज़रियात के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए थे इस तरह से जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी सियासी माहौल यानी कि बेहतर नहीं रहा था और इस दौर में जो क़यादत की बार बार तब्दीलियाँ होती रहीं सियासी अदम इस्तेकाम आया इस तरह से तसलसल की कमी रही और जमहूरी अमल भी रोक दिया गया. तो बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान अली पोलिटिकल लैंडस्केप 1947 की आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान के जो कई पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया जिसके अंदर
जो है वो बहुत सारे एक मुल्क की तमीर की जिम्मेदारी यानी कि इसके अंदर इंक्लूड थी। सो हम इसके जो यानी कि सियासी मंजरनामा है और इसके फैक्टर्स के से किस तरह ये से किन फैक्टर से मुतासर है उसको हम देखेंगे, जिसमें लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है यानी कि जमहूरी जो इदारे हैं उनकी अदम मौजूदगी, उनकी खुद मुख्तारी का तजर्बा नहीं था। इसके अलावा जो मसाइल थे, डोमिनेंस ऑफ द मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग का गलबा था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क्याम की जिम्मेदार थी और इब्तदाई तौर पर जो मुस्लिम लीग थी उनका सियासी वो सियासी मैदान में काफ़ी उनका असर रहा था, वो गालिब रही थी। तो उसके जो अंदरूनी जो इख्तलाफात थे वो फिर जल्द ही यानी कि सामने आने लगे। सो फैक्शनलिज्म विद इन द मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग विच हैड लेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू गवर्न द न्यू स्टेट, हाउएवर फैक्शनलिज्म विद इन द पार्टी वीकेंड इट्स अथॉरिटी। मुस्लिम लीग आज़ादी की तहरीक की रहनुमा थी, उसको नई रियासत को जो हुकूमत देने की तवक्को थी, मगर पार्टी में जो है वो फिरका विरादियत पैदा हो गई थी और इसने इसकी ताकत को फिर कमज़ोर कर दिया। देन रीजनल कन्फ्लिक्ट्स लीडरशिप डिस्प्यूट्स बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिविजन्स, लीडर्स फ्रॉम बंगाल फेल्ट अंडर रिप्रेजेंटेड लीडिंग टू डिस्टेसिफिकेशन इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश। तो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान जो क़यादत की लड़ाइयाँ थी वो तकसीम वाजे होती गई, बंगाल के रहनुमा महसूस करते थे कि उन्हें नुमाइंदगी काम मिल रही है, फिर इसके नतीजे में मायूसी फैली और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। देन पर्सनल रेवलरीज थी, की फिगर सच एज लियाकत अली खान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, गुलाम मोहम्मद, स्ट्रगल फॉर पावर वीकनिंग द पार्टी यूनाइटी। अहम शख्सियात जिस तरह से लियाकत अली खान थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, नाज़िमुद्दीन थे, गुलाम मोहम्मद, और वो ताकत के लिए आपस में लड़ते रहे थे और उनकी लड़ाई ने पार्टी की जो यूनाइटी थी उसको कमज़ोर कर दिया। फिर जो मुस्लिम लीग का जवाल आ गया, यानी उनकी आपस की जो लड़ाइयाँ थी और जो समाजी इक्तसादी मसाइल थे उनको हल करने में वो काफ़ी नाकाम रहे थे। इन लड़ाइयों की वजह से मुस्लिम लीग जो है वो अपनी बर्तरी खो बैठी और जिस तरह से जो दूसरे ग्रुप और फिरके थे वो उनको फिर आगे आने का मौका मिला। इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म एंड एथनिक पॉलिटिक्स, दवास एथनिक मेकअप ऑफ पाकिस्तान फर्दर फ्यूल्ड फैक्शनलिज्म, ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग विद नेशनल इंटरेस्ट, सेन ईस्ट वेस्ट डिवाइड एंड प्रोविजनल डिस्प्यूट्स। तो इस तरह से जो जन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ नस्ली साख थी उसमें फिर का वरादियत बढ़ गई, हर सूबे की अपनी सियासी तरजीहात थी और हर जन के कौमी मफादात को कम उसके ऊपर तवज्जो दी जाती थी। मशरक और मगरब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, मीन मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, जो मशरकी पाकिस्तान था यानी बंगाली थे और मगरबी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोच था, तो ये इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। मशरकी पाकिस्तान जो ज़्यादा आबादी वाला था उसने ज़्यादा सियासी नुमाइंदगी का मुतालबा किया और जबकि मरकजी हुकूमत यानी मगरबी पाकिस्तान के जो ज़ेर असर थी तो इन मुतालबात की यानी कि फिर इसको उनके अंदर काफ़ी मज़हमत पैदा हो गई। और उसके बाद जो है अगर हम देखें प्रोविंसेस लाइक सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सॉट ग्रेटर ऑटोनॉमी लीडिंग टू पॉलिटिकल टेंशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन रीजनल लीडर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो सूबे थे ज़्यादा खुद मुख्तारी का मुतालबा करते थे और फिर इससे जो सियासी तनाव था उसके अंदर मजीद अजाफा हो गया और सूबाई जो रहनुमा थे उनके दरमियान भी अदम जो है वो तावन की फिजा पैदा हुई। देन रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन यूरोपियन पॉलिटिक्स, तो ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या रहा इसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज वीकेंड ड्यू टू फैक्शनलिज्म, नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक द ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री बिगन टू प्ले अ मोर डोमिनेंट रोल, देन ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस एंड मिलिट्री इंटरवेंटेशंस। तो इसके अंदर जो यानी कि ब्यूरोक्रेसी थी जैसे सियासी जमातें फिरका वरादियत की वजह से कमज़ोर हुई तो गैर जमहूरी इदारे में ब्यूरोक्रेसी फौज का फिर गलबा ज़्यादा आ गया था। सो ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस जिसमें यानी कि जो मजबूत सियासी क़यादत मौजूद नहीं थी तो जो सरकारी मुलाज़मीन थे उनके ऊपर यानी कि वो बरतानवी हिंदुस्तान के निज़ाम के ज़ेर असर आए थे तो उन मुलाज़मीन का काफ़ी यानी कि उनका इन्फ्लुएंस था और इस तरह की जो शख्सियात थी लाइक गुलाम मोहम्मद या सिकंदर मिर्ज़ा तो ये बड़ी उनको बड़ी ताकत हासिल हुई थी और मुख्तलिफ जो मुंतखब रहनुमा थे उनकी ताकत कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा फिर फौज की मदाखलत हुई, मिलिट्री इंटरवेंटेशन यानी मिलिट्री जो थी जिसमें फौज जनरल अयूब खान जैसे रहनुमा की क्यादत के अंदर उसने सियासत के अंदर जिनके अहम किरदार अदा किया, फौज ने और सियासी जो अफरा तफरी थी
उनके दरमियान खुद को इस्तेकाम की कुव्वत के तौर पर जो है वो उन्होंने देखा। तो 1958 की जो यानी कि फौजी बगावतें थी फिर वो यानी कि 1958 के अंदर ये ख़त्म हो गई थी। फिर इस तरह से एक दहाई के लिए जमहूरी अमल जो है वो रोक दिया गया था। और सो अली जो इज पाकिस्तान वार मार्क्ड बाय फैक्शनलिज्म विद इन द पॉलिटिकल लीडरशिप टू रीजनल दिस पार्टीज इन द राइज ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सच एज द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी दिस इश्यूज सीवियरली इंपैक्टेड द कंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी द डिलेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड अल्टीमेटली द मिलिट्री इंटरवेंशन 1958। सो दिस अर्ली चैलेंजेस सेट अ प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स विद democracy often being overshadowed by authoritarian rule. Pakistan ki jo ibtidai saal the usme firqa waradiyat thi ilake ke upar nafrat ilake ke darmiyan nafrat thi gair jamhoori idare mein ki fauj bureaucracy mujhe zyada ubhar rahe the aur in masail ne mulk ki jamhoori amal ke upar kafi negative asar dala. Phir se siyasi adam istiqam paida ho gaya jo ain tha uske andar takhir ho gayi usko banane mein phir जो फौजी मदाखलत की राह हमवार हो गई। इस तरह से जो इब्तदाई चैलेंजेस थे वो पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल की सियासी जद्दोजहद के लिए काफ़ी यानी कि बड़ी एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ये जो जमहूरियत है वो अक्सर यानी कि अक्सर खुद मुख्तार हुक्मरानी जो थी उसके जरिए यानी कि ये छाई रही। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 एवरी स्टेट डिजाइन इज फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट rejecting feeling and emotions. Why did Pakistan prefer emotions, feelings and ideology in its foreign policy? Also analyze its impact. तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उसके जज्बात एहसास नजरियात की बुनियाद पर कौमी मफादात को तरजीह दी गई थी। तो खारजा पॉलिसी के फैसले के जो होते हैं वो आमतौर पर किसी मुल्क के कौमी मफादात की यानी कि बुनियाद के ऊपर होते हैं और जिनमें सिक्योरिटी इक्तसादी फवायद देखे जाते हैं आलमी हैसियत इसके अंदर शामिल होती है। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है खासतौर पर जो उसके इब्तदाई साल थे इस पैटर्न से हट गई थी। इसमें जज्बात एहसास और नजरिए ने कई खारजा पॉलिसी फैसलों के ऊपर काफ़ी असर डाला था। फिर पाकिस्तान के लिए जो अंदरूनी तौर पर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसका काफ़ी यानी कि इसके ऊपर इसके हवाले से गहरे असरात रहे। तो अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द मोस्ट स्टेट्स व्हेन इट कम टू फॉरेन पॉलिसी। इसके अंदर इंक्लूड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर सिटीजन sovereignty, then economic prosperity, political stability and global influence. तो इसमें जो है कौमी मफाद है ज़्यादातर रियासतों की जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इक्तसादी खुशहाली हो तिजारत के अंदर इजाफा या सरमायाकारी को तो इस तरह तवज्जो देना यानी कि और यह ज़रूरी था तरक्की हासिल करने के लिए और जो अंदरूनी यानी कि इस तौर पर इस्तेकाम पैदा करना ज़रूरी था बैरूनी मदाखला से बचाओ के हवाले से कोशिश करना ज़रूरी था। इसके अलावा जो स्वार्थी रवाबित थे कनेक्शंस थे उनको मजबूत करना इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। सो पाकिस्तान के जो इसके अंदर यानी कि फाउंडेशनल जो आइडियोलॉजिकल बेसिस थे उसके अंदर पाकिस्तान ने क्यों अपने इमोशन फीलिंग्स आइडियोलॉजी को यानी कि प्रेफर किया। सो पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी विच एम्फसाइज़ रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। दिस आइडियोलॉजी शेप्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी वेयर पाकिस्तान सॉ इटसेल्फ एज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। सो कॉन्सिक्वेंटली इट लर्न्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू रिलीजियस सॉलिडरिटी रेदर देन प्रैग्मेटिक नेशनल इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान की जो यानी कि दो कौमी नजरिया था इसकी बुनियाद के ऊपर जो है कायम किया गया था और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मजहबी नजरियाती फ़र्क था। इस नज़रिए ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी मुतासर किया। पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिमत का यानी कि प्रोटेक्टर समझा और पाकिस्तान के कौमी मफादात के बजाय अपने मजहबी जो यकजहती थी उनके मतलब जो जज्बात और एहसास थे इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड किया। देन हॉस्टिलिटी विद इंडिया एंड कश्मीर इशूज़ तो भारत के साथ और दुश्मनी और कश्मीर का जो मसला है तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है भारत के साथ इसकी दुश्मनी से कि गहराई से मुतासर रही है। मीन के कश्मीर का जो हल मतलब मसला है वो मजबूत जज्बाती रद्दअमल को पैदा करता है जो पाकिस्तान के इतिहाद पाकिस्तान के दिफाई अखराजात पाकिस्तान का सफारती जो मौकफ है उसको फिर ये यानी कि मुतासर करता है। कश्मीर का मसला जो है ये मुस्लिम यकजहती की यानी कि ख्वाहिश के ऊपर है और पाकिस्तान को जो कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान के नजरियाती यानी कि इमोशंस जो कनेक्शन है इमोशनली कनेक्शन उसको यानी कि सफारती मद्देनजर से ऊपर रखना ज़रूरी है।
So search for allies in the Muslim world. Muslim duniya mein tahajjud ki talash. So Pakistan ne apne aap ko ek Islami riyasat ke taur par identify kiya aur aksar jo Muslim aksariyat mumalik the unke sath jo hai wo strong connection banane ki koshish ki aur jo Islami yakjehti hai is tarah ke jazbaat talash karne ki koshish ki aur ek jo iqtisadi aur geography fawaid the unke upar Pakistan ne tawajjuh nahi di aur Islami jo block Pakistan ke sawati koshishon ki jo hai ki wajah se bana tha jo gair muslim mumalik ke sath jo mumkin ittehad hai wo bhi iske andar jane ke isko ignore kiya gaya tha. So Islamization of the foreign policy under Ziaul-Haq. Ziaul-Haq ke tehat je ke jo khaja policy hai uski kya Islamization thi. General Ziaul-Haq ka jo daur-e-hukumat tha usme jo Pakistan ki kharja policy thi wo zyada tar mazhabi yani ke taur par thi aur yani ke nazariyati taur par yani ke iske andar jo hai wo nazariyati taur par mail thi aur mazhab ke hawale se jo Ziaul-Haq ne Pakistan mein jo Islamization hai usko prog diya aur ye jo nazariyati tabdili thi mujhe kharja ke jo kharja sakta ke upar yani ke taluqat usne zahir hui khas taur par jo Soviet invasion hai uske dauran Afghanistan ke andar jo yani musalmanon ke kaam the unhone musalmanon ke support ke upar zor diya. So impact of the ideology driven foreign policy in Pakistan, isolation from the major global powers. Jo Pakistan ke yani ke nazariyati tarjeehat ne kabhi kabhar use mumkin agar muslim jo itihadi se unse alag kar diya kyunki Pakistan ne jo apne kharja policy ke andar sirf muslim yakjehti ko farogh diya to is wajah se Pakistan ko phir kafi satah ke upar nuksan bhi uthana pada kyunki Pakistan ke sath jo baki aham itihadi the Pakistan ke yani ke kuch aise hamsaya mumalik jo ke yani ke muslim abadi unki nahi thi wo musliman nahi the to phir unke sath taluqat Pakistan ne unko behtar banane ki koshish nahi ki aur Pakistan ko phir iski wajah se nuksan hua to Pakistan yani ke unke mumalik ke sath Pakistan tijarat nahi ke andar zyada tawajjuh nahi di strategic sharakat dari ko mazboot nahi kiya to phir is tarah se Pakistan jo badi taqat thi unki madad se mehroom raha tha. So over reliance on religious alliances, Pakistan dependence on alliances based on religious affinity made it vulnerable relationship with Muslim countries, particularly in the Middle East, so often did not translate into concrete economic and military benefits. To is tarah se Pakistan ne jo hai mazhabi ittehad ke upar zyada inhisar kiya. Pakistan ka jo mazhabi yani ke Pakistan ki jo mazhabi wabastagi thi uske buniyad ke upar ittehadiyon par inhisar jo hai Pakistan usne inhisar ne Pakistan ko kamzor kar diya. Muslim mumalik ke sath taluqat khas taur par yani ke Middle East mein ya jo baki jo اقتصادی جو فوجی فوائد تھے وہ پاکستان کو نہیں مل سکے. تو یہ اتحادی جو تھے یہ ہمیشہ بھی قابل اعتماد بھی نہیں تھے, خاص طور پر جو بھارت کے ساتھ تھے یعنی کہ جنگ کے دوران بہت سے مسلم ممالک نے پاکستان کی مدد نہیں کی تھی. سو ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. تو پاکستان کی جو ابتدائی خارجہ پالیسی ہے اس کے فیصلے کے جذبات ان کے احساسات اور اس کے نظریے سے متاثر تھی. تو بنیادی طور پر اس کی جو مسلم ریاست کی شناخت اور بھارت کے ساتھ جو دشمنی تھی پاکستان کے اس کے اوپر یعنی کہ انحصار تھا اور پاکستان کے جو یعنی کہ عالمی موقف ہے اس کو یعنی کہ اس کو بہتر نہیں بنایا گیا تھا, خاص طور پر جو قومی مفادات تھے اس کو یعنی کہ آگے بڑھانے کی صلاحیت محدود تھی اور جو باقی جو یعنی کہ جذباتی توجہ تھی اس نے بات کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اقتصادی سفارتی سیکیورٹی پاکستان کے لیے چیلنجز پیدا کر دیے. لیکن پاکستان نے زیادہ جو مفادات کے جو مفاد کے پر جو خارجہ پالیسی تھی اس کی طرف پاکستان نے توجہ دی اور مستقبل کے اندر جو یعنی کہ پاکستان نے زیادہ استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے اقدامات کیے. سو نیکسٹ کوشچن ہے, واٹ از دا والیوم آف دا گرانٹس ایڈ اینڈ لونز ان پاکستان اکانومی ان دا لاسٹ 10 ایئرز ٹو اسٹیمولیٹ دا گروتھ. پاکستان کی معیشت میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران امداد گرانٹس اور قرضوں کا حجم. So in the past decade, Pakistan has relied significantly on external grants, aid and loans to support its economic growth. These financial influence have come from various international institutions, friendly countries and bilateral agreements. They have been crucial in meeting fiscal deficits, stabilizing the economy and funding development projects. So isme jo Pakistan ek tasadi tarakki ki himayat ke liye jo biruni grants thi, imdad thi, qarzon ke upar unhone kafi inhisar kiya. Maliyati jo yani ke rakamein thi usme bain al-aqwami idare اور باقی جو دوست ممالک اور دو طرفہ معاہدے اس کے اندر شامل تھے. تو اس طرح سے جو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ میں یعنی کہ ان مالیاتی جو انفلوز تھے انہوں نے مدد کی. اور سو
इसमें हम देखेंगे जो सोर्सेज हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, जिन पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फैमिली कम फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आईएफएस आईएस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ प्रोवाइड लोन्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिस्किंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पाकिस्तान जो है बैनुल अक्वामी इदारे जिस तरह से आईएमएफ इससे और यानी कि अपने इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अदायगियों के तवाजन के लिए यानी कि कर्ज हासिल करता है, बाकी वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनसे भी पाकिस्तान अपने तरक्याती मनसूबों के लिए अपनी तालीम अपने अपने सोशल फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के लिए यानी कि कर्जे और बाकी ग्रांट्स वगैरह भी लेता है। और इसके अलावा जो बायलेटरल एड है जिस तरह से मीन के चीन अमेरिका सऊदी अरब और बाकी जो मुतहद अरब अमारात है यूएई मीन के इस तरह के मालिक ने पाकिस्तान को इक्तसादी तरक्की और बजट की कमी को पूरा करने के लिए भी माली इमदाद दी। इसके अलावा जो फॉरेन ग्रांट्स है मीन के यानी कि जो कुछ इसके अंदर जो कुछ तंजीमें थीं और ममालिक थे उन्होंने ग्रांट्स यानी कि फ्राम की है जिनकी जो वापसी थी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मिसाल के तौर पर जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है उन्होंने सियात तालीम और इंसानी हमदर्दी की मदद के लिए जो है वो कर्जे फराम किए थे। इसके अलावा कमर्शियल लोन्स थे यानी पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान में जो कमर्शियल जो यानी कि पाकिस्तान कर्जे हासिल करता है और बैनुल अक्वामी जो यानी मंडी है उनके अंदर बॉन्ड्स मीन यूरो बॉन्ड्स और इस तरह के बॉन्ड्स जारी करता है, बाकी जो ग्रांट्स है यानी कि और बाकी जो पाकिस्तान को ग्रांट्स और वगैरह मीन के मिलती है एड और लोन्स ओवर द लास्ट डिकेड जो पाकिस्तान को मिली उसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को पिछले 10 सालों के अंदर यानी कि ग्रांट्स इमदाद और बाकी जो कर्जों की मालियाती इन्फोर्स था वो अपने पाकिस्तान को इक्तसादी हालात को बेहतर बनाने के लिए ये लोन्स दिए गए थे। और इसके अलावा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है 2013 के अंदर तो इसमें जो पाकिस्तान ने जो है एक यानी कि जो सहूलत थी पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत 6.6 बिलियन डॉलर का कर्जा मिला था और 2019 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया ताकि जो पाकिस्तान जिनके तवाजन की अदायगी है या इसका इसके हवाले से जो बहरान है उसका पाकिस्तान मुकाबला कर सके। इसके अलावा जो कोविड-19 था पेंडेमिक तो इसके में भी पाकिस्तान को जो है वो फंड्स दिए गए थे मुज़ाकरात के तहत। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एडीबी की असिस्टेंस भी है इसमें यानी कि 2013 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और एडीबी से तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों डॉलर के कर्जे लिए। जिस तरह से 2021 में एडीबी ने पाकिस्तान को सेहत तालीम और जो सड़कें थी इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर थी इस तरह के मनसूबों के लिए पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर दिए थे। बायलेटरल असिस्टेंस फ्रॉम चाइना जो है उसने पाकिस्तान के और इक्तसादी रादारी के जरिए यानी कि मालियाती मदद की पाकिस्तान की और तवानाई के जो मनसूबे थे बाकी जो मुख्तलिफ यानी इक्तसादी जोन थे उसके लिए 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यानी कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की मदद की। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और अदर जो अलाइज थे यानी कि उसमें 2010 और 2020 के दरमियान पाकिस्तान अमेरिका से कोलेशन सपोर्ट फंड CSF यानी दीगर तरक्याती इकदाम के तहत तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की मदद की जिसमें फौजी मदद भी थी और बाकी शहरी मदद भी थी। और इसके अलावा US अंडर द कोलेशन सपोर्ट फंड एंड अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन डॉलर। और इसके अलावा जो स्वीडन यूए ने पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट्स फ्राम किए और तेल जो तेल की अदायगियाँ थी उनको भी सऊदी अरब ने मुखर कर दिया। सो सऊदी अरब एंड यूएई एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय डिपॉजिट पाकिस्तान सेंट्रल बैंक एंड डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने जो बैनुल अक्वामी मंडियाँ थी उनमें यूरो बॉन्ड्स सुकॉक बॉन्ड्स जारी किए थे जिसमें यानी कि अरबों डॉलर जमा हो गए थे। तो जिस तरह से 2021 के अंदर पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन डॉलर का यूरो बॉन्ड जारी किया था। तो अब हम देखते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। तो इस तरह से जो काफी गुज़श्ता कुछ दहाइयां हैं उसमें ग्रांट्स इमदाद और कर्जे जो पाकिस्तान को मिले उसमें पाकिस्तान की मईशत को काफी सपोर्ट किया तो खासतौर पर जो माली बहरान थे उनके दौरान यानी कि उनको उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को कर्जे और इमदाद वगैरह मिले। और इसके अलावा जो कर्ज और बैरूनी मालियात थी इसके ऊपर पाकिस्तान ने फिर ज्यादा इनसार जब किया तो सारी चैलेंजेस पैदा हो गए। इसके अलावा जो पायदार तरक्की है उसको यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान को ऐसी असलाहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो हुक्मरानी को बेहतर बनाए
पाकिस्तान को अपने आमदनी बढ़ाने की जरूरत है, जो गैर मुल्की कर्जों पर इनसार कम से कम किया जाए, बैरूनी इमदाद और दाखिली जो इक्तसादी पॉलिसियाँ हैं उनके अंदर बैलेंस को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाकिस्तान जॉइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट इट हैड टू पे फॉर दैट, एक्सप्लेन। सो व्हाट इज पाकिस्तान जॉइन पाकिस्तान डिफेंस, पाकिस्तान ने मगरबी जो दिफाई माहदे थे उनके अंदर क्यों शमूलियत इख्तियार की और इसके बदले में से कौन सी कीमत अदा करनी पड़ी। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस 1947 पाकिस्तान फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी कंसर्न ड्यू टू इट्स हॉस्टाइल रिलेशन विद इंडिया, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड गिवन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान अलाइन इटसेल्फ विद वेस्टर्न ब्लॉक स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स बाय जॉइनिंग वेरियस डिफेंस, दीज अलायंसेस वर मोटिवेटेड बाय द प्रॉमिस ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड बट दे केम विद कॉस्ट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद जो मतलब चैलेंजेस थे उनका सामना किया, भारत के साथ जो दुश्मनी थी पाकिस्तान के वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल थे, इक्तसादी मुश्किल थी, बैन अकवामी शनाख्त की जरूरत थी, लेकिन साथ जंग के में पाकिस्तान ने खासतौर अमरीका के साथ जो मगरबी ब्लॉक था उसके साथ इतिहाद कायम कर दिया और मुतलक जो दिफाई माहदे थे उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। इन इतिहादों की जो बुनियाद थी वो फौजी इक्तसादी इमदाद के ऊपर थी, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को दाखिल और बैन अकवामी दोनों सतह पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए, मगरबी दिफाई माहदे के अंदर पाकिस्तान जब शमूल इख्तियार की तो भारत के खिलाफ जब अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना पाकिस्तान के लिए जरूरी बन गया था। फिर 1947 और 1948 की कश्मीर के तनाजे के बाद पाकिस्तान को यह खतरा महसूस हुआ था कि फौजी मदद हासिल करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, मगरबी जो माहदे थे उनका था फिर फौजी इमदाद का यानी कि इमदाद करना, तो पाकिस्तान की काफ़ी दिफाई सलाहियत को मजबूती चाहिए थी। सो हॉस्टाइल रिलेशंस विद इंडिया एंड डिफेंस बिल्डअप, सो भारत जो कश्मीर के ऊपर जो इख्तलाफात हैं भारत के साथ उसमें जो तनाजात की वजह से पाकिस्तान के तलुकात हमेशा कश्मीर की वजह से मतनाज़ा रहे हैं, भारत पाकिस्तान को भारत की जो फौजी बरतरी है उसको यानी कि तवाज़न उसको बरकरार रखने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए जो है पाकिस्तान को मजबूत बैन अवी इतिहादियों की ज़रूरत थी। सो डिफेंस बिल्डअप यानी कि मगरबी जो इतिहाद था इसमें शामिल होकर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का फौजी सामान साज सामान था तरबियाती जमाली इमदाद पाकिस्तान ने इसको बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अपने फौजी साज सामान को जदीद बनाने की कोशिश की और ताकि अपनी जो उसकी यानी अफवाज हैं उसको मजीद वो पावर मिल सके। सो कोल्ड वार कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोल्ड वार वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू मेजर ब्लॉक्स, द वेस्टर्न ब्लॉक लीड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईस्टर्न ब्लॉक लीड बाय सोवियत यूनियन, द यूएस सॉट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ क्यूमिनिज्म स्पेशली इन रीजन लाइक साउथ एशिया एंड साउथ पाकिस्तान इज अ पोटेंशियली अले इन दिस एफर्ट। तो सर्द जंग के दौरान यानी कि जो दो बड़े अपने ब्लॉक्स थे इसके अंदर इन ब्लॉक्स के अंदर जो तकसीम पैदा हो गई थी, तो मगरबी ममालिक जो थे अमरीका की क्यादत में था और जो मशरकी वो ब्लॉक था वो सोवियत यूनियन की क्यादत में था, तो अमरीका के जो कम्युनिज्म के फैलाव था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था खासतौर पर ऐसे इलाके में जैसे जनूबी एशिया है या पाकिस्तान को इस एशिया जिनके इस कोशिश में काफ़ी उन्होंने मुमकिन इतिहादी के तौर पर देखा। देन कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, सो यानी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक जगह थी सोवियत इतिहाद और चीन की सरहदों के करीब थी, तो अमेरिका के लिए इस खत्ते में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यह जगह काफ़ी अहम थी, तो फिर इस माहदे में शामिल होकर पाकिस्तान ने एशिया के अंदर जो कम्युनिज्म है उसको रोकने में मगरबी के जो हिकमत अमली थी उनके साथ उनकी हेल्प की। सो इस तरह से जो रीजनल इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान ने ये उम्मीद की थी कि मगरब के साथ इतिहाद से उसे इंटरनेशनल सफारतकारी के अंदर उसका असर रसूख उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और इस तरह से जो उसके इलाके की सियासत है उसमें यानी कि उसमें उसको पाकिस्तान को इसमें इसके अंदर काफ़ी बेनिफिट्स हासिल होंगे। इसके अलावा अगर हम यानी कि इक्तसादी इमदाद की बात करें तो मगरबी जो दिफाई माहदे थे उनमें शामिल होने की यानी कि उनमें शामिल होने से पाकिस्तान को इक्तसादी और फौजी मावनत भी हासिल हुई थी और इसके अलावा अमेरिका और इसके इतिहादियों ने पाकिस्तान को जो है इक्तसादी इमदाद भी फराहम की थी, पाकिस्तान को मतलब कर्जे ग्रांट तरक्याती मनसूबों के लिए इमदाद मिली थी। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने फौजी साजो सामान को अपने फौजी अहलकारों की तरबियत के लिए जदीद निज़ाम मिला था और इसके अलावा पाकिस्तान जो
یہ تھے یعنی کہ پاکستان کے اندر جو مغربی دفاعی معاہدے تھے پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی تو پاکستان کو اس کے یعنی کہ معاہدے میں شامل ہونے سے کافی فائدے ہوئے پاکستان کو خارجہ تعلقات بہتر بنانے کا موقع ملا پاکستان کی جو داخلی پالیسیاں تھیں یعنی کہ ان کے حوالے سے بھی پاکستان نے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ جو لیکن اس کے اندر کچھ عرب اس کے عرب ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کے اندر پیچیدگی آئی تھی جن کے پاکستان کا جو مغرب کے ساتھ تعلقات جب قریب ہوتے گئے تو پھر یعنی کہ ان کے اندر جو یعنی کہ منفی نظریات تھے جو عرب کے رہنما تھے تو وہ جو یعنی کہ ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پھر کمپلیکس ہو گئے تھے اور اس طرح سے پھر پاکستان کے مسلم ممالک کے درمیان جو ایک غیر جانبدار یعنی کہ رہنما کے طور پر خود کو پوزیشن نہیں دے سکا تھا جس طرح سے مصر اور انڈونیشیا جیسے ممالک نے کی سو پاکستان ڈیسیجن ٹو جوائن ویسٹرن ڈیفینس پیکٹ ڈیورنگ دی کولڈ وار ایرا واز ڈریون بائی سیکیورٹی کنسرن اسپیشلی اٹس ان کنفلکٹ ود انڈیا اینڈ دی نیڈ فار اکنامک ملٹری اسسٹنس ہاؤ اوور دی کاسٹ اف دیز الائنسز انکلوڈ اسٹینڈ ریلیشن ود مسلم ورلڈ ڈیپینڈنسی آن دا ویسٹ سوویت یونین سوویت ہسٹورٹی لمیٹڈ ویسٹرن سپورٹ ان ٹرمز اف کرائسس فار پاکستان گین شارٹ ٹرم بینیفٹس لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ وار کمپرومائز تو پاکستان کا صدر جنگ کے دوران جو یعنی مغربی دفاعی معاہدہ تھا اس میں شامل ہونا بنیادی طور پر سیکیورٹی کی تشویش سیکیورٹی کے حوالے سے خطرناک تھا خاص طور پر بھارت کے ساتھ تصادم ہوا اقتصادی فوجی مدد کی ضرورت کی بنیاد کی ضرورت تھی ان اتحادوں کی جو پاکستان کو مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے اندر قیمت چکانی پڑی مغرب پر جب پاکستان نے انحصار کیا تو عرب ممالک کے یعنی کہ پاکستان سے دور ہو گئے اور اس طرح سے پاکستان کو جو ہے مختصر جو یعنی کہ فائدے حاصل ہوئے تھے مطلب کہ سب تھوڑی مدت کے لیے باقی جو طویل مدت تھی کہ جو اسٹریٹجک مفادات تھے اس کے لیے پاکستان کو سمجھوتا کرنا پڑا سو نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکس دی ایشوز اینڈ ڈسٹرسٹ ان یو ایس پاکستان ریلیشنز آفٹر دی ودڈرا آف دی یو ایس ٹروپس فرام افغانستان سو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ اس وقت پیچیدہ ہو گئے تھے جب افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہوا تھا تو 2021 میں امریکی فوج کے انخلاء نے کئی مسائل پیدا کیے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑی عدم اعتماد میں اندر اضافہ ہوا سو اگر ہم ہسٹریکل کانٹیکسٹ دیکھیں اس کا یو ایس پاکستان ریلیشنز کا تو پاکستان کے تعلقات جو یعنی کہ امریکہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اس میں کافی اونچ نیچ آتے رہی خاص طور پر سرد جنگ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کے دوران دونوں ممالک کی جو اسٹریٹجک شراکت داری تھی سیکیورٹی کے جو حوالے سے یعنی کہ کچھ کام تھے امور تھے ان کے اوپر کم مفادات کی وجہ سے عدم اعتماد پیدا ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے یو ایس ٹروپ کا اگر ہم یعنی کہ افغانستان سے ودڈرا دیکھیں تو اگست 2021 میں امریکی فوج کے نے انخلا کیا افغانستان سے تو پھر طالبان کی جانب سے افغانستان کے اوپر تیزی سے انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر پاکستان اور امریکہ اور جو یعنی کہ اس خطے کے لیے باقی ممالک تھے اس خطے کے اندر ان کے لیے کافی خدشات پیدا ہو گئے تھے اور اس بات کو یعنی کہ اس واقعے نے یہ ظاہر کیا کہ امریکہ اور پاکستان خطے کی جو سیکیورٹی کے ڈائنمکس ہیں اس طرح امریکہ اور پاکستان اس خطے کی سیکیورٹی کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس کے علاقے کے اندر کافی متنازع اور چیزیں بھی پیدا ہوئی تھیں دین ڈائیورجنگ ویو آن طالبان رجیم طالبان ریسرجنس ہیز بین ون آف دی پرائمری پوائنٹس آف کنٹینشن بٹوین دی یو ایس اینڈ پاکستان وائل پاکستان مینٹین ا ریلیٹیولی پراگمیٹک سٹانس آن طالبان ایڈوکیٹنگ فار انگیجمنٹ ٹو پریونٹ انسٹیبلٹی یو ایس ریمینز واری آف دی طالبان ٹائز ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشن لائک القاعدہ تو طالبان کی جو واپسی تھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان انہوں نے بنیادی اختلافات پیدا کر دیے تھے پاکستان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ شامل ہو کر مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عدم استحکام سے بچنا چاہتا ہے تو لیکن جو امریکہ ہے وہ طالبان کے جو دہشت گرد تنظیم ہے جس طرح سے القاعدہ ہے ان کے ساتھ کے تعلقات کے حوالے سے کافی محتاط ہے اور پاکستان کا جو ویو ہے سو پاکستان شیئرز ا لانگ بارڈر ود افغانستان ہیز بین ڈائریکٹلی امپیکٹڈ بائی افغانستان ریفیوجیز اینڈ ملیٹنسی اسلام آباد پریفرز اسٹیبلٹی ان افغانستان بلیوز اگینسٹ دی طالبان از کروشل تو پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک طویل سرحد رکھتا ہے اور افغان جو پناہ گزین ہیں اور شدت پسندی سے پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے تو اسلام آباد کا یہ خیال ہے کہ جو افغانستان کے اندر استحکام کے لیے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے اور اس کے اندر اگر ہم یو ایس ویو دیکھیں امریکہ کا نقطہ نظر تو امریکہ طالبان کے جو اقتدار میں آنے کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خود کو ایک شکست یعنی کہ طور پر دیکھتا تھا
और ये समझता था कि उनको शिकस्त हुई है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद तो तालिबान के जो यानी कि हुकूमत के अंडर जो इंसानी हकूक थी वो उनकी खिलाफ वर्जियों के ऊपर खासतौर पर खवातीन और जो अकलियतें के हकूक थे उनके हवाले से अमरीका को काफ़ी तशवीश थी। तो ये जो बुनियादी इख्तलाफात थे दोनों ममालिक के दरमियान उन्होंने तनाव को अदम एतमाद को पैदा किया। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इसके सिक्योरिटी के खदशात को नज़रअंदाज किया जा रहा है जबकि अमरीका को यकीन है कि पाकिस्तान इंतहा पसंद ग्रुपों के बारे में बहुत नरम रवैया इख्तियार करता है। सो पाकिस्तान ने तो हमेशा इन एलिगेशन को रिजेक्ट किया और सो पाकिस्तान ने ये दावा किया जो है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ है और पाकिस्तान यानी कि अफगानिस्तान की सरजमीन से किसी किस्म की दहशत गर्दी नहीं चाहता। सो इस्लामाबाद एसेस दैट हैज बीन फाइटिंग टेररिस्ट ग्रुप ऑन इट्स ओन सोइल एंड इट वाज अ मोर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर इट्स एफर्ट्स। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत सारी जो है वो जंग लड़ी, पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद की जाती है अमरीका की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान का ये मौका हमेशा ये मौक़ रहा है और पाकिस्तान इन एलिगेशन को रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान का ये मौक़ है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। सो विद ऑफ यू एस ट्रूप्स फ्राम अफगानिस्तान हैज़ ब्रॉट लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज इन यू एस पाकिस्तान रिलेशन टू द फोर फ्रंट वाइल बोथ कंट्रीज हैव डाइवर्जेंट व्यूज ऑन हाउ टू हैंडल द तालिबान इन फ्यूचर अफगानिस्तान ऑन गोइंग मिसट्रस्ट हैज कॉम्प्लिकेटेड देयर कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी इकोनॉमिक मैटर्स। So far, the relationship to stabilize the renewed commitment to diplomacy and mutual respect for each other's strategic concern will be essential. So, Afghanistan se jo Ameriki fauj ka nikla hua, usme Pakistan America ke talukat kafi unke andar masail paida ho gaye the. Dono mulk ke darmiyan Taliban aur Afghanistan ke jo mustaqbil tha, iske hawale se jo nukta nazar tha wo mukhtalif tha aur is adam aitmad ने इनकी सिक्योरिटी इनके इक्तसादी जो अमूर थे उनके अंदर जो उनका कोऑपरेशन था वो पेचीदा बना दिया और इसके जो तलुकात थे उसको मुस्तकम करने के लिए फिर एक नई सफारतकारी की यानी कि ज़रूरत है और फिर जो बाकी जो स्ट्रेटजी के यानी के हवाले से उनकी जो तशवीश है उसका भी एहतराम जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है।